कल जवान के मेकर्स ने एक बॉम्ब फोड़ा था सोशल मीडिया पे, मींस अपने दूसरे गाने के एक छोटे से प्रोमो को रिलीज कर रहा था। ये प्रोमो को देखने के बाद भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। बट इसके साथ साथ ही ना जवान मूवी को लेके ना एक बहुत ही बुरा न्यूज निकल के आ रहा है। बुरा न्यूज ये निकल के आ रहा है, जवान मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 सीन्स को ना ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये कौन चमन चूते हैं जो इस टाइप से हरकतें कर रहे हैं। एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे कि जो लोग लीक कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कुछ एक्शन लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये फिल्म में कितना असर करेगा। क्योंकि अगर तुम लोग को याद होगा जवान मूवी से ना बहुत ऐसे सीन्स को लीक करे गए, बहुत ऐसे एक फाइट वाले सिक्वेंस को प्रॉपर लीक कर दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले भी एक जो रोमांटिक वाला एंगल था उसे भी लीक कर दिया गया था। बट ये चीज़ें ना लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जो ये 4-5 सीन्स लीक हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स है ये फिल्म के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फिल्म उतना कलेक्शन नहीं करेगा जितना ये फिल्म को कलेक्शन करना चाहिए था। ये हार्श रियलिटी है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ऐसे जो भी लोग होंगे वो लोग ये सब सारे फुटेज को देख लेंगे ना, तो वो लोगों का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अभी ये फिल्म जितना बज बना के रखा है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म इतना बज बना के रखा हुआ है। तो चलो फिर बात करते हैं कि एक चीज़ पे यार, उससे पहले एक चीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक जरूर देखना। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं जवान मूवी के ये लीक वाले सीन पे। सच बोलो तो जब भी मैं ये सुनता हूँ ना कि ये फिल्म का ये चीज़ लीक हो गया, अभी देख रहा होगा टू से वो फिल्म को ना प्रॉपर HD में लीक कर दिया गया। बट अभी भाई जितने भी ये प्लेटफॉर्म थे जहां से ये फिल्म लीक हुआ था उसे हटाया गया। सो उसके एक दिन बाद ये सुनने को मिल रहा है कि जवान मूवी के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स लीक कर दिए गए, और ये सीन्स को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर भी करा जा रहा है। तो मैं जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं, वो लोग से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, तो अगर तुम लोग के पास कोई फुटेज आता है तो उसे आगे मत फॉरवर्ड करो। बट यहाँ सबसे मजेदार बात ये है ना, रेड चिल्ली जो है ना, इसके जो मैनेजर है, जो CEO है भाई, उन्होंने तगड़ा वाला एक्शन लिया है। जो लोग ये लीक कर रहे थे ना वो लोग पे, 4-5 लोग थे वो लोग पे काफी तगड़ा वाला एक्शन लिया गया है। पुलिस हरकत में आ गई है और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों को मैं बता दूं ना, ये लीक ओक की वजह से ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को ना 2000 करोड़ का नुकसान होता है। और पता है अगर कोई लीक में पकड़ा जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है? बस 3 साल की भाई जेल होती है, जस्ट 3 ईयर्स का जेल होता है। सोचो अगर कोई फिल्म को कोई बंदा लीक कर देता है, फिल्म पे कितने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे पैसे खर्च किए जाते हैं एक लीक की वजह से। जो प्रोड्यूसर होता है, जो उस फिल्म पे पैसे लगाया होता है, वो प्रॉपर बर्बाद हो जाता है। और सोचो एक बार कि एक बंदे ने लीक करके एक प्रोड्यूसर को बर्बाद कर दिया और इस बंदे को ओनली 3 ईयर्स का सजा मिल रहा है। तुम लोग एक बार सोचो यार, जवान कितना हाई बना के रखा है। अगर ऐसे ऐसे इस फिल्म से फुटेज लीक होते रहे बार बार, एक आध बार होता है तो चलो ठीक है, एक आध बार अगर कोई चीज़ें लीक होती है ना तो ये चीज़ें ना एक्साइटमेंट बढ़ाता है ये फिल्म के लिए। बट लगातार लीक होते जाए ना तो भाई धीरे धीरे ना फिल्म को लेकर ना एक्साइटमेंट कम होने लगता है। फिर लोग बोलते हैं यार कि लीकी से सारा फिल्म हम लोग ने देख लिया, तो फिर थिएटर में जाके देखने की क्या जरूरत है। बट यहाँ अच्छी बात यह है, रेड चिली के जो CEO हैं, जो मैनेजर हैं, वो लोग प्रॉपर फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं, और जितने भी लोग हैं वो लोग को भाई पकड़ा जा रहा है, पुलिस कंप्लेन हो रही है और पुलिस भी प्रॉपर हरकत में आ गई है। चूतिया लोग जो भी लीक करे इसको लेके जाओ और डंडा बजाओ यार जितना हो सके। दोबारा फिर ना जवान के साइड से देखने का ही लोग हिम्मत ना करे कि चलो भाई फिर से इसे लीक करना है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग इस पे क्या कहना है। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।